दिल्ली रे जमुना नदी रे बन्या वर्तमान जो सूचना अनुसार दिन 3टा सुद्धा जमुना नदी रो जलस्तर ना बढ़ी ना कमुची फल दिल्ली वासी को पई सामान्य आश्वस्ति आनी किंतु एबे भी दिल्ली अधिकांश अंचल जलमग्न अवस्था रे उद्धार पई 12टी एनडीआरएफ टीम उतर होइछंती एवं सबुठारो देखंतु प्रभावित होइछि मध्य एवं दक्षिण दिल्ली प्राय 45 वर्षर कहा जाउछि रेकर्ड भांगीछि जमुनार जलस्तर सेपटे बन्या स्थिति नहीं दिल्ली रे उपराज्यपाल डीडीएम बैठक होइछि यहा परे आसंता रविवार स्कूल कॉलेज को मध्य बंद घोषणा करा जाइछि एतर भावंतु कोपड़ भापरे स्थिति रहिछि हाहाकार स्थिति देखिबा को मिलिछि दिल्ली रे बन्या स्थिति पई रविवार जाय जेतु शिक्षा अनुष्ठान को छुट्टी करा जाइछि बंद करा जाइछि स्कूल कॉलेज बंद नहीं केजरीवाल सूचना देइछंती एथि सहित वर्क फ्रॉम होम करबा को घरे संस्था को निवेदन करा जाइछि तो दिल्ली रे जो भली भापरे संकटजनक स्थिति देखिबा को मिलिछि जमुना नदी रो जलस्तर बदद्य बढ़िनी किंतु कमिनी किंतु चारियाडे पानी जुआरे देखिबे केवल पानी आ पाइनी एवं 45 वर्षर ये रेकर्ड भांगीछि दिल्ली रे बन्या जमुना नदी रे जो बन्या आसीछि तो जहाँ को नहीं कि संकटजनक स्थिति देखिबा को मिलिछि अनेक अंचल जलमग्न अवस्था रे उद्धार पई 12टी एनडीआरएफ टीम उतन होइछंती सबुठारो अधिक प्रभावित होइछि मध्य एवं दक्षिण दिल्ली जो चित्र आपण देखाउछु देखंतु किभले भाबरे पानी रे बुड़ी रहिछि गाड़ी गुड़ी को अधा पर्यंत बुड़ी रहिछि ता सहित लोकों घरे पानी पसी जाइछि रास्ता देखिबे कि जोठी हजार हजार लोक जीवासीबा करूथिले सेठी डोंगा चालुछि हुए तो एभली स्थिति या निकट अतीत रे केबे देखिबा को मिलि नथिला 45 वर्ष परे एभली स्थिति देखिबा को मिलिछि दिल्ली रे जहा को नै लोकंकर चिंता बढ़ि जाइछि तळिया अंचल अधिक प्रभावित होइछि एवं ये जो दृश्य हम आपन को देखाउछु आपन देखंतु लाल किला रे किभली भाव रे कोराल रूप देखिबा को मिलिछि चारियाडे पानी एवं अधा पर्यंत डूबी रहिछि ता सहित आकाश मार्गरु ये होची बन्यार दृश्य आपण अनुमान करंतु जेतेबेले आकाश मार्गरु ए बन्यार दृश्य सामना को आसीछि केते भयानक से दृश्य रहिछि जेतेबेले देखिबा कि एभली दृश्य देखिबा खुलिछि ता सहित फ्लाईओवर तले सह सह लोक किभली भाबरे रुंड होइछन्ति काहेकि ना सेमानक बासस्थान रे पानी पसि जाइछि सेमानक घरे पानी पसि जाइछि लोके कोन करिवे चिंता रे फ्लाईओवर तले आश्रय नैछन्ति अनेपटे भयंकर ट्राफिक जाम जो भली भाबरे स्थिति देखिबा खुलिछि अनेपटे ट्राफिक जाम देखिबा खुलिछि भयंकर भाबे ट्रैफिक जाम हमें साधारण तो जानी छे कि दिल्ली रे को बड़ी भाबे ट्रैफिक जाम रुहे किंतु ये प्रबल बन्या फल रे भयंकर ट्रैफिक जाम देखिबा को मिलिछि प्रशासन पक्ष सब पदक्षेप ने जाउछि किंतु ये चारोटी दृश्य हमें आपनकु देखौछु किंतु किबले भाबे लाल किला रे किबले भाबे आपन देखंतु दृश्य देखिबा को मिलिछि जो लाल किला रे जोटी सह सह संख्या रे हजार हजार पर्यटक जानती किंतु आज ये दृश्य देखंतु पानी चलुछि चारिआड़े केवल पानी आउ पानी अन्य दृश्य टी देखाउछु आकाश मार्गरु से बन्यार दृश्य दिल्ली रे आकाश मार्गरु केमती देखंतु जो आसीछि चित्र केवल चारिआड़े पानी आउ पानी पूरा जलार्णव होइछि दिल्ली फ्लाईओवर तले किभली सह सह लोक माने रहिछंती आश्रय नैछंती काहेकि ना आश्रय नेबाकु कोनोसी स्थान नाही सबुरी पानी एवं पानी लोक घरे पानी पसिछि एवं लोक केवल विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होउछंती हुए तो दिल्लीवासी केबे भी एमिती बन्या देखि नथिले एवं कुआ जाउछि कि 45 वर्ष परे एभली भीषण बन्या देखिबा को मिलिछि एवं जार प्रभाव ट्राफिक उपरे मध्य पड़िछि ट्राफिक किभली भाबरे जाम रहिछि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आया है और लगातार दो तीन दिन से पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा गृहमंत्री अमित शाह को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि कम पानी सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाए। लेकिन ये जो स्थिति है आप ये समझिए जो यमुना है वो 45 साल का रिकॉर्ड उसने कल तोड़ा है। 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर यमुना बह रही है 208 मीटर से ज्यादा पर यमुना बह रही है। ये ऐतिहासिक यमुना का जल स्तर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है तो स्थिति अभूतपूर्व है। एक तरह से हम अगर दिल्ली की बात करें तो ऐसा इससे पहले दिल्ली के इतिहास ने कभी नहीं देखा कि इस तरह की स्थिति बन गई हो। एमिति दिल्लीवासी केबे भी पूर्वरु देखि नथिले जो भयंकर भाव रे दृश्य सामना को आसीछि एमिति बन्या जहाँ देखिबा कि लोकों जीवन को दुर्बिसह करि दैछि।
चारिआड़े केवल पानी आउ पानी जोठी प्रतिदिन हजार हजार लोक जावासवा करती से रास्ता पूरा पानी रे डूबी रही गाड़ी बुड़ रही आपड़ देखते गोटे स्कूटी किभली भाव में संपूर्ण भाव में बुड़ जाती एथर अनुमान करूँ ए बनार को भयंकर भाव में चित्र सामना को आसी लोके खावाक पा ना लोके निजर आशापत नष्ट हो जाए लोके करे कौन ताकू नहीं कि चिंतार पड़ते ए दृश्य देखूँ छाती पर्यंत पा छोट पा बुड़ रही स्थित जहाँ को लेकिन लोकंर समस्या आहुरी बढ़ी जाइछि एबे 45 वर्ष पर कहा जाउछि 45 वर्ष पर दिल्ली रे ये सबुटर बड़ संकट भाव में उभा होइछि जमुना नदी रे आसीथिबा बन्या लोकंक जीवन को दुर्विषह कर देइछि चारिआड़े केवल पानी आउ पानी एवं ये पानी रो चित्र आपण जुआरे देखिबे पानी एवं पानी लगातार भाव में जो वर्षा हैला एवं वर्षा फल जमुना नदी जलस्तर बढ़ी जदिओ आज दिन तीन टा पर जमुना नदी जलस्तर कमिनी कि बढ़िनी कन्स्टांट रही सत्वे भी लोकंर स्थिति देखा कि बिगड़ी पर लगी बर्तमान केमिति अछि सेटाकर ताजा स्थिति आम सहित तो दिल्ली प्रतिनिधि न्यूज 18 फारा खान जोड़ी होती फारा जी 45 साल बाद दिल्ली पर सबसे बड़ा संकट इस वक्त क्या हाल है मैं मौजूद हूं और मैं यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए दूर तक जहां तक देखा जा रही है पानी इसी तरीके से भरा हुआ है और अभी सबसे बड़ा अपडेट यही है कि शाम 5 बजे के बाद जो जल स्तर की बात की जा रही है कि वो नहीं बढ़ा है वो मामूली तौर पर बढ़ा है अभी अगर करंट बात करें तो 208.65 जो है वो जल स्तर है और ये माना जा रहा है कि कल तक जो है वो ये कम होगा लेकिन अभी हम आपको नजारा दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पानी जो है वो पूरा भरा हुआ है और इसी तरीके से दिल्ली जो है वहां पर लोग जो है ना काफी दिक्कत हो रही है चाहे वो बात की जाए यातायात की बात की जाए खाने की बात की जाए लोगों की छतें जो है वो उनसे दूर हुई हैं क्योंकि उन्हें कैंप में रहना पड़ रहा है लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से ये स्थिति दोबारा आई है हर कोई परेशान है और दूसरी चीज ये है कि तमाम कोशिशें की जा रही है अभी थोड़ी देर पहले जो है DDMA की बैठक थी जिसमें 12 NDRF की जो टीम है उनको तैनात किया गया है और जो राहत कार्य है वो पंजाब दिल्ली हरियाणा सबके लिए चल रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहां पर यमुना बाजार की बात करिए जो वो इलाके हैं जो लोहे के पुल या यमुना के बहुत करीब आते हैं जहां पर लोग रहते हैं चाहे हम मयूर विहार एक्सटेंशन की बात करें वहां पर लोगों के जो हैं छोटे छोटे झोपड़ियां ये सब बने हुए थे जो पानी से बह गई हैं और लोगों की छतें जो हैं वो उनसे दूर हो गई है तो अब वो लोग कैंप में रह रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उन तक खाना पहुंचे जितनी भी चीजें हैं वो पहुंच सके लेकिन बड़ी बात यह है कि काफी लोगों की जो जिंदगी है वो अस्वस्थ हुई है देखिए इससे पहले हम यमुना बाजार गए थे तो वहां पे भी हमने देखा था कि लोगों के घरों तक पानी आ गया था और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे लोगों से अपील किया गया था कि वो कैंप जाएं राहत कैंप जो उनके लिए लगाए गए हैं लेकिन उनका ये कहना था कि हम अपना घर अपना सामान छोड़कर कैसे जा सकते हैं क्योंकि देखिए सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है हर कोई मुसीबत में है और देखिए सुबह से जो है वो कोशिश की जा रही है कि जल स्तर जो है वो कम हो हर जगह पर ये तैयारियां की जा रही हैं लेकिन अभी जो हम आपको तस्वीरें साफ दिखा रहे हैं कि ये ITO है यहां पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है इसी तरीके से दिल्ली में कई इलाकों में जो है वो जल की इसी तरीके से स्थिति बनी हुई है लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कल सुबह से जो है वो जल स्तर जो है वो कम होगा और अब सबसे बड़ी बात यही है कि अभी पिछले घंटे ये देखा गया है कि 1 बजे के बाद से 4 घंटे तक जल स्तर जो है वो बहुत मामूली स्तर पर बढ़ा है और ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो ये एक रिलीफ की बात है क्योंकि पहले ही बहुत सारी जो मुसीबतें हैं वो लोगों को हो रही हैं। जी फरा जी ये बताइए घर डूबे गाड़ी डूबी मेट्रो सेवा प्रभावित है बस्ती इलाके में जो लोग है वो लोग कितने परेशान है और थोड़ा तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल देखिए अभी भी मैं जिस इलाके में हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ से अगर हम बैक साइड की बात करें तो वहां पर छोटी छोटी जो बस्तियां हैं वो एस्टेब्लिश थी जैसे मैंने मयूर विहार एक्सटेंशन का नाम लिया था यमुना बाजार की मैं बात कर रही थी वहां लोग जो हैं वो प्रबंध करके रहते थे लेकिन जैसे ही वहां पर पानी इतना आया तो उन लोगों को आसपास के कैंप्स में भेज दिया गया। अगर हम यमुना बाजार की बात करें तो वो जो लोहे के पुल के बिल्कुल ठीक बराबर में जो गलियां जाती हैं वहां पर इतना पानी भरा हुआ है कि सारी फैमिलीज को जो है वो कैंप में रखा गया तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। देखिए सबसे बड़ा संकट ये है कि जिन लोगों के घर दूर हुए हैं उनके लिए परेशानियां हैं दूसरा ये है
कि कई जो हैं वो जाने भी गई हैं, लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, लेकिन पूरे ओवरऑल की बात की जाए तो इसमें जाने भी गई हैं। और सबसे बड़ा संकट ये है कि लोगों को लंबी लंबी लाइन लगाकर मेट्रो का भी वेट करना पड़ा है, क्योंकि मेट्रो भी जो है वो बहुत ज्यादा धीरी से चल रही है और ट्रैफिक जाम जो है वो लंबे लगे हुए। देखिए इस वक्त मैं ITO पर मौजूद हूं और ITO की जो मेन जो रेड लाइट वगैरह हैं वहां पर आपको बहुत लंबा जाम मिलेगा, चाहे हम वो लाल किले की बात करें, जितने भी आसपास के एरियाज हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा है, तो हर किसी को मुसीबतें हो रही हैं। और जैसा आपका सवाल था कि जो लोग आसपास झुग्गियों में रहते थे उनका क्या हाल है, तो देखिए उन तक बहुत संकट पहुंचा है, काफी लोग जो थे वो रो रहे थे और वो इसी परेशानी में थे कि इस बार जो स्थिति आई है। देखिए दिल्ली में कई जगह ये भी है कि जब भी 2 से 3 घंटा बारिश होती है तो उसके बाद जगह जगह जल जो है वो भर जाता है, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति हुई है और जो जल स्तर है वो बहुत ज्यादा खतरे के स्तर से पार हो चुका है, और जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और ये क्या इस सालों बाद हुआ है। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है कि लोगों तक उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, जैसे मैंने कहा कि DDMA की बैठक हुई है, उसमें टीम्स जो हैं वो तैनात की गई हैं और कई अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन आम जनता की बात करें या जो रोड के किनारे रहते थे उनके उनसे घर छिन गए हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी बहुत ज्यादा परेशान है। फरा जी ये बताइए यमुना का जलस्तर पानी का जो लेवल कितना मीटर ऊपर है? जी देखिए अगर हम जल स्तर की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 1 बजे तक जो है 1 बजे के बाद से अभी 4 घंटे होने आए हैं ज्यादा जल स्तर नहीं बढ़ा है, 208.65 जो है वो लेवल है, और इस तरीके से ये एक अच्छी बात भी है और इसी से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कल से जो है पानी का लेवल जो है वो और नीचे जाएगा, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल सुबह 4 बजे से पानी का लेवल नीचे हो सकता है, क्योंकि अब ज्यादा जो है वो स्तर नहीं देखा गया है, क्योंकि लगातार 1-1 घंटे की अगर हम बात करें पिछले दिनों की तो 1-1 घंटे में लेवल बढ़ रहा था, लेकिन अभी 4 घंटे से एक मामूली सा जल स्तर जो है वो बढ़ा है, जो कि काफी बड़ी राहत है सबके लिए। और जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए अभी बारिश भी नहीं हुई है ये भी बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से पानी जो है वो रात को छोड़ा जा रहा है फिर उसको वहां से रिलीज किया जा रहा है, और अभी जो जल स्तर है वो बहुत मामूली बड़ा है, तो इसको हम ये देख सकते हैं कि कल सुबह तक जो है वहां पर जिस तरीके से काम लगातार किया जा रहा है कि पानी को जल्द से जल्द डिस्चार्ज किया जाए तो उसके बाद जल स्तर में काफी कमी आएगी, और जितने भी एरियाज हैं चाहे जो बहुत अलर्ट पर एरियाज हैं वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां पानी भरा हुआ है वहां पर लोगों को उससे राहत जल्द मिलेगी। जी बिल्कुल सबसे बड़ा संकट, बहुत बहुत शुक्रिया फरा जी सभी जानकारी के लिए। तो आम आपको देखा दिल्ली में किभली स्थित अच्छी आम प्रतिनिधि ग्राउंड जीरो देखा कि भाव में स्थित चारिड़े केवल पा और पा आपार्टमेंट गुड़िकाणी पशि जाए केवल नुहे अनेक देखा कि स्थान विशेष करके तलिया अंचल में छाती उंचर पा लगी रही जहां को लोकों दुर्दशा बढ़ी जाई दृश्य बयान कर कौली भाव में संकटजनक स्थित कहुच्च 45 वर्ष पर दिल्ली में एभली बना हो दिल्लीवासी केवि गोटे बनार सामना करना करके लोकों दुर्दशा आहरी बढ़ी जाती दिल्ली में जितेबाद पा पशुची लालकिला अंचल आपत देखते लालकिला अंचल जलमग्न हो जमुना बनार स्थित बेहाल हो पड़ी पूरा राजधानी में अनेक अंचल उबुटबू दिल्ली में धीरे धीरे बना स्थित गंभीर होबार लगी विशेष करके काश्मीर गेट कथा कहतु वाजिराबाद मयूर विहार निगम बोध ए सब तलिया अंचल में प्रवेश करी बन्या जल लोके केमिति जाउछंती एवं ए दृश्य देखंतु गच्छ गुड़िक मध्य अधा बुड़ी रही तो स्थिति देखा मिली जमुना पानी बढ़िया पर रास्ता रे भयंकर ट्राफिक समस्या मध्य देखा मिली। दिल्ली में एवं भी अनेक स्थान में रास्ता उपरे पानी जाउछि जातीय राजपथ उपरे मध्य पानी प्रवाहित होउछि फलरे गमनागमन प्रभावित होउछि। देखिए 16 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद करने का आदेश दिया गया है, सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया, प्राइवेट दफ्तरों को भी सलाह दी गई, और उसकी वजह यह तस्वीर है शालिनी हम जो लगातार दिखा रहे हैं, ये सबसे रौद्र रूप 45 साल में यमुना दिखा रही है। मैं जरा तस्वीर इस तरफ से दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ ये जो पानी आ रहा है, हम सुबह से इस जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब जो यहाँ पर डिवाइडर था ना वो दिखना बंद हो गया है और यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है।
आप अगर यकीन करें तो ऐसा लगेगा कि यमुना खुद यहाँ बह रही है, यमुना अपना दायरा बढ़ा रही है, इतनी ही स्पीड से यहाँ पर पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये जो लाल किले की पिछली दीवार है उससे लगा हुआ जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, अब यहाँ पर भी पानी का स्तर बढ़ रहा है। इससे पहले हम इस ब्रिज के ठीक नीचे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर आपको बताया कि पीठ से ऊपर तक, कमर से ऊपर तक पानी वहाँ पर है। बहुत खतरा है क्योंकि बहाव है, तो ऐसे में रिपोर्टिंग में कई बार रिस्क भी हो जाता है। तो आप ये तस्वीर देखिए किस तरह की तस्वीर है यहाँ पर, और ऐसी तस्वीर यकीन मानिए जो रिंग रोड पर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ राजनिवास जाने वाले रास्ते के आसपास, वहाँ ISBT कश्मीरी गेट, बस अड्डे के बाहर, मॉनेस्ट्री, मजनू का टीला, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत ज्यादा पानी है। और अगर पूर्वी दिल्ली की हम बात करें तो बिहार का इलाका पहाड़ियों के आसपास इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन एक खबर जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो 2 बजे का बुलेटिन आया है यमुना के जलस्तर का, उसमें एक ठहराव देखने को मिला, 208.62 मीटर 2 बजे रिकॉर्ड किया गया, और ठीक यही आंकड़ा 1 बजे भी रिकॉर्ड किया गया था। मतलब 1 घंटे में यमुना का जल स्तर आंकड़ों में नहीं बढ़ा है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको साफ तौर पर पानी दिखाई देगा। ऐसे में सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी हैं वो यमुना के ट्रेड पर टिकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दिल्ली के जो हालात हैं वो कितने चिंताजनक है। मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ पानी जो इधर से आ रहा है पुराने लोहे के पुल से, यहाँ पर बहुत स्थिति, थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, ये देखिए यहाँ पर स्थिति किस तरह की बनी हुई है। विपिन पुजारी आपको दिखाएंगे, जो फ्लाईओवर के साथ लगा हुआ जो लेन है वहाँ पर पानी का स्तर देख लीजिए, कई फुट पानी होगा। अगर हम इसकी बात करें तो 8 से 10 फुट का पानी हो सकता है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, हम लगातार यहाँ यमुना के पास के जो रोड्स हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और आप ये समझिए अगर रिंग रोड बंद होता है तो दिल्ली की एक तरह से हम कह सकते हैं कि यातायात के लिए सबसे बड़ा रोड है, लाइफ लाइन है, उस पर पूरा असर पड़ा है। और इसका असर जगह जगह देखने को मिल रहा है, कई जगह जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। एक बार विपिन पुजारी उस तरफ दिखाएंगे, जब ये पानी पिलर से टकराता है तो क्या स्थिति हो रही है, ये तस्वीर देख लीजिए। ऐसा लगेगा कि आप यमुना में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो यमुना का जो दायरा है वो अब शहरी इलाके तक पहुंच गया है, शहर तक पहुंच गया है। अभी तक निचले इलाके डूबे थे, लेकिन अब वो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स इसकी जद में आ गए हैं, वो बड़ी बड़ी सड़कें इसकी जद में आ गई हैं, जिन पर सुबह तक ट्रैफिक फर्राटे मारता था, लेकिन आज अब देखिए यहाँ पर कुदरत ने किस तरह से यहाँ पर स्थिति और तस्वीर दिखाई है कि अब सब एक तरफ खड़े हैं, गाड़ियां रुक गई हैं, लोगों का आवागमन इस रोड पर बंद हो चुका है। ये एक सड़क है, रोड पर ऐसे कई पैच हैं जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। उत्तर से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक लगभग इसी तरह की स्थिति है, जहां से भी यमुना का पानी रिसेगा शहर की तरफ वहां इसी तरह की स्थिति नजर आएगी। और इस जिस पॉइंट से हम रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ लगातार पानी बढ़ रहा है, स्थिति खराब होती जा रही है। आप ये समझिए कि ये जब रिहायशी इलाकों में पहुँचना शुरू होगा, दिल्ली कितना बड़ा शहर है, कितनी बड़ी आबादी है, 2 करोड़ के लगभग आबादी है, और जो यमुना के किनारे जो बेल्ट है जहाँ लोग बसे हैं वहाँ अच्छी खासी आबादी रहती है, शुरुआत में वहाँ पानी पहुँचना शुरू होगा तो कितने बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन का काम किया जाएगा, कितने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू का काम किया जाएगा, तो वो गंभीरता आप समझ सकते हैं। जो एक चिंताजनक बात है वो ये है कि जो पानी का लेवल है वो अभी कम नहीं हो रहा है। एपरिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बासभवन पाखे पहुंची जाइए बन्या जल। 1978 में यमुनार जलस्तर सर्वाधिक 207.49 मीटर रेकर्ड होता, यह 208.5 मीटर अतिक्रम कर यमुनारे विपद संकेत 205 मीटर थिबा बेले जलस्तर सर्वकालीन रेकर्ड भांगी। हरियाणार हथनी
ब्यारेज्रु जल छड़ा परे जमुनार जलस्तर क्रमगत भाव में वृद्धि पावे लगी। इंद्रप्रस्थ अंचल जलार्णव हो डीटीसी मुख्यालय में भी पा पशि तलिया अंचल बन्या विपन्न को रिलीफ क्यांप को सुरक्षित स्थान को स्थानातर कर दिल्ली ग्रामीण अंचल स्थित एवं संगीन रही। बन्या परिस्थिति को दृष्टि रखि दिल्ली में स्कूल बंद कर दी जाए। तलिया अंचल में अफिस्गुड़िक बंद रही। संक्रमण आशंकर जल विशोधनागार को बंद कर दी जाए। पीवा पापी ना असुविधार सम्मुखीन होती लोके बन्या स्थितर समीक्षा कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शीघ्र बन्या जल निष्कासन होपरी रिलीफ और उद्धार कार्य मुख्यमंत्री गुरुत्व सेबड़े उत्तर भारत विभिन्न राज्य में बन्या स्थिति संगीन होवे लगी। उत्तर प्रदेश में 12 पंजाब और हरियाणा में 18 जनकर मृत्यु होई फलर मृत्यु संख्या प्रबल वर्षार उत्तर भारत में गला 30 जीवन। बुधवार राति सुधा 30 जनकर जीवन नेला बन्या। एस मृत्यु संख्या 125 छुई। उत्तराखंड लगातार वर्षा जो तलिया अंचल में पा बढ़ लगी। रामनगा नदी जलस्तर वृद्धि लगी फल प्रशासन तलिया अंचल लोकों आलर्ट कर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा कमी भी बढ़ी दुर्दशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु आकाशमार्ग स्थिति परखा सहित विभिन्न स्थान को जा समीक्षा कर। हिमाचल प्रदेश विभिन्न स्थान में 10,000 पर्यटक फसी रही जमापड़। दिल्ली में धीरे धीरे बन्या स्थिति गंभीर होबार लागिछि। कश्मीर गे वजीराबाद मयूर विहार निगम बोध आईटीसी तल अंचल प्रवेश करुछि बन्या जल। एहाकु नै अनेक आवासिक अंचल जलबंदी स्थिति देखिबाक मिलिछि। सेपटे जमुना पानी बढ़िबा परे रास्ता रे भयंकर ट्राफिक जाम स्थिति देखिबाक मिलिछि। दिल्ली रो देखिबा कि शास्त्री पार्क आड़क भीषण जाम देखिबाक मिलिछि। अनेक स्थान रे रूट डाइवर्ट करी ट्राफिक स्थिति टाळिबाक उद्यम करा जाउछि। ए बन्या स्थिति देखि तीनोटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मध्य बंद करि दिया जाइछि। राजधानी दिल्ली में मानसून के दस्तक के बाद हालात और मंजर कुछ इस तरीके से हैं कि जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और लोगों को काफी दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जल भराव कुछ इस तरीके से है कि एक सड़क से दूसरी सड़क पर पानी इस तरीके से गिर रहा है जैसे किसी झरने से पानी गिरता है। तस्वीरें देखिए आप कि दूसरी तरफ हालात इस तरीके से है कि पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी है और 20 सड़क पर इतना बड़ा हैवी लोडेड ट्रक फंसा हुआ है और आवाजाही पूरी तरीके से ठप पड़ी है। जिस तरीके से आपको बता दूं कि लगातार बरसात हो रही है और यमुना का किनारा होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि यमुना के किनारे आसपास के जो लोग बसे हुए थे वो फिलहाल अपनी जगह बदलने पर मजबूर है क्योंकि पानी सड़कों पर आ चुका है और देख सकते हैं आप कि कैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। लोगों को परेशानी हो रही है, बरसात ज़्यादा हो रही है, ऐसे में ऑफिस निकलना है, काम भी करना है, आगे भी पानी भरा हुआ है। क्या लग रहा है आप लोग को, कैसा नॉर्मल हो पाएगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इससे लोग बहुत परेशानी हो रही है ऑफिस जाने में, काम करने में, और यहाँ की जो परेशानियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। बिल्कुल परेशानियाँ ज़्यादा हैं और तस्वीरें एक बार दिखाऊंगा कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा इलाका नदी के रूप में तब्दील हो चुका है और प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। NDMC MCD की तरफ से पूरे वाटर लॉगिंग को ड्रेन आउट करने की भी कोशिश की जा रही है मगर जल भराव की स्थिति इस तरीके से यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। अब जबकि सावन का ये पहला हफ्ता है जब ये हालात हम देख रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में मानसून चल रहा है, बरसात और भी ज़्यादा होगी, तब क्या स्थिति होगी? फिलहाल बता दूं आपको कि यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और
प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को इस जगह से निकालने की कोशिश कर रहा है और तरह तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। नई दिल्ली से प्रहलाद के साथ रवि मिश्रा, न्यूज 18। राजधानी दिल्लीर अवस्था खराब, विशेषकर तळिया अंचलर नाहीं नथिबा स्थिति। जेउठी देखिले बन्या पाणी, एभळी स्थितिरे लोकमाने विभिन्न फ्लायओव्हर तळे आश्रय नेइचंती। पिला छुआंक सहित गृहपाळित पशु धरी एबे फ्लायओव्हर तळे कटुछि जीवन। तेबे दिनबेळे जेमती हेले कटिजिबो, किंतु रातिरे कोण हेबो ताकु नेइ लोकमाने चिंतारे पडि जाइचंती। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इसके बाद यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपना सर बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए जगह ढूंढते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के मयूर विहार के फ्लाईओवर के नीचे का है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं, जो अपनी गुजर बसर के लिए दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन अब उनका जो घर बार है वो पूरी तरीके से उजड़ गया है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भर जाने से उनका जो सामान है, उनके घर की चीजें हैं, वो बह गई है। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से कुछ लोग आए हुए हैं उनको खाना बांटने के लिए। तस्वीरें साफ है कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ रही हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को शायद खाने के लिए चीजें नहीं मिल पा रही हैं। दूध है, फल है, ये नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और जिन लोगों का घर यहाँ पर उजड़ गया है वो किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, उन भी लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आप कब से रहते हो ये नीचे? 12 साल हो गए। अच्छा, तो कहाँ से आती हैं आप? कहाँ से, कहाँ की रहने वाली हैं? बदायूं। तो अभी अभी कब से आप नीचे यहाँ पर? तो यहाँ आप देखिए तो लोगों को सिर्फ खाना लेने के लिए वो लाइन में लगे हुए हैं, और भीड़ जिस तरीके से है वो भी देखी जा रही है। उनसे भी बात, आप बताइए, आप आए हैं यहाँ पे, कहाँ से आए आप लोग? जी, मैं श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अच्छा। जम्मू कश्मीर में हमारे लंगर चल रहे हैं दिन रात, क्योंकि वहाँ भी ऐसी स्थिति फैल गई है कि यात्री रुके पड़े हैं और चार टाइम हम खाना दे रहे हैं, नाइट में भी दे रहे हैं, रात्रि में। तो जैसे मुझे पता चला कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, अब बाढ़ भी फ्री दे दिए, उन्होंने कोई इंतजाम नहीं करे। मैंने यहाँ देखा जितने भी फ्लाई ओवर हैं वो लबालबे पानी से भरे हुए हैं, और जितने भी सड़कें अंडरग्राउंड बनी थी वो भी इन लोगों की इनकी मदद के लिए आप लोग आए हैं। बिल्कुल। तो क्या खाना देंगे या कुछ और चीजें? बिल्कुल, इनके लिए अभी मैं ये खाने के पैकेट्स वगैरह लाया हूँ, कंबल्स वगैरह भी लाया हूँ, वो भी मैंने बांटूंगा। ये मानवता का ये फर्ज है कि इन लोगों की मदद करना चाहिए, इंसानियत की वजह से। तो यहाँ पर उनकी मदद के लिए पहुँचे आप लोग, बताइए नीचे रहते हैं, पानी में तो सामान वगैरह सारा चला गया क्या? सारा चला दिया, सारा सारा का सब। अच्छा, फिर कैसे रह बसर हो रही, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्या करें, ऐसे ही हो रही है, तुम रह रहे हैं और पानी में सहते तो मैं निकल के आए हैं। अच्छा, निकल के आए हैं। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं मदद के लिए? अब कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है, कोई ना आ रहा हुआ। तो फिर खाना वाना कैसे मिल पा रहा है? जो है सो कुछ बना रहा है, खा रहा है। तो सामान भी बह गया क्या आप लोगों का? आप लोग सब कहाँ के रहने वाले, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तो पता ही नहीं, ब्याह शादी हमारे तो यहीं आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले? यूपी के। यूपी से? तो यहाँ पे लोग काम करते थे आप लोग? हम खेती बाड़ी करते तो सब बह गई। अच्छा। सब बह गई। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि काम के लिए, यानी कि अपने जीवन बसर के लिए वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए, लेकिन जिस तरीके से बारिश का सीजन है और जो निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, इसके चलते उनको यहाँ पर ला दिया गया, लेकिन अब अव्यवस्था ये है कि खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे यहाँ पर आप देखें तो बहुत छोटे छोटे सारे बच्चे हैं उनके साथ, जो रहने जो जिनके पास जो जानवर थे वो भी यहाँ पर है। तो अब ऐसे में लोग उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं, जैसे कि ये भाई साहब पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर से, जिनका कहना है कि उन्हें खाने के पैकेट दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो जरूरी चीजें होंगी वो भी दी जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग परेशान हैं। और एक चीज और पूछना चाहूंगी, दिल्ली के तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम मदद करेंगे, तो कुछ आया है कोई मंत्री? कोई मंत्री नहीं आया है देखने को लो जी। तो क्या वो सिर्फ बातें करते हैं या करते भी है मदद? बस इतना ही को आता बात। तो बारिश का सीजन है, आप लोग नीचे खुले में रह रहे हैं, फिर क्या?
होता है काम ऐसे रह रहे हैं खुले में, ऐसे लटराते हैं बाली बच्चे, क्या करें। अच्छा तो बच्चे फिर छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाए कुछ हो जाए बीमार तो है सब कहना थोड़ी वरेगा मच्छर खा रहे हैं। अच्छा हाँ कहना परेशानियाँ काफी परेशानियाँ कहना परेशानियाँ का गैर परेशानी दोनों पड़े हैं यहाँ। अच्छा तो यहाँ पर परेशानी ये भी है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, खुले में रहना पड़ रहा है, बारिश का सीजन है, तो तमाम परेशानियों से जूझते हुए ये लोग किस तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं ये तस्वीरें बिल्कुल आपको बोलती हुई नजर आ रही होंगी। और अपने कैमरा पर्सन से भी मैं कहूंगी कि वो दूर तक भी दिखाए कि लोग किस तरीके से खुले रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि मजबूरी ये है कि निचले इलाके में जो इन्होंने थोड़ा बहुत अपना घर बनाया था वो पानी भर जाने की वजह से बह गया, अब ऐसे में उन्हें फ्लाईओवर के नीचे रहना पड़ रहा है। और जो आप देखें तो दूर दूर तक छोटे छोटे जो सामान है उनके वो रखे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर सामान जो है वो बह गया है। ऐसे में इन लोगों की उम्मीद सिर्फ ऐसे ही लोगों से है जो मदद के लिए सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।